आते हुए गाड़ी मनीषा के बारे में एल्विश यानी कि मनचले जी जो कि मनीषा के हैं क्या बोल गए हैं। काफ़ी सारे लोगों की ये बहुत सारी बातें हैं कि एल्विश जो है मनीषा से बात नहीं कर रही है, मनीषा जो है एल्विश से बात नहीं कर रही है, एल्विश को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मनीषा का। वैसे जो है एक व्लॉग एल्विश ने डाला है जिस व्लॉग में मनीषा रानी का जिक्र हुआ है। उनके दोस्त ने ये बात बोला है कि 19 तारीख को वो मीटअप करने वाले हैं, स्टेज पे आएंगे और सबका शुक्रिया अदा करेंगे और माफ़ी तो सिर्फ मनीषा रानी से मांगनी होगी क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं। पर यहाँ पर एल्विश का कहना ये है किस बात की माफ़ी भाई, मैंने तो आशिका से नंबर भी लिया, उसको मैसेज भी किया, उसको कॉल करने की भी कोशिश की, मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, कॉल लगा नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप लोगों ने पूरी पूरी इंटरव्यूज़ देखी नहीं है, जो जो इंटरव्यूज़ मैंने दी है, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मनीषा रानी और किसी के ऊपर भी कुछ भी हमने हेट नहीं फैलाया, किसी को कुछ बोला नहीं है और हेट फैलाना भी नहीं है। अगर ऐसी सब चीज़ें हैं तो मेरा एक और भी रूप है जो कि आप लोगों ने देखा नहीं है। ये बातें जो है एल्विश यादव कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि एल्विश का नाम एक मनचले भी रख दिया है मनीषा रानी ने जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। पर यार ये जो फेम है ना, ये फेम ऐसे ही बरकरार रहेगा। अब लाइफ में ये लोग अलग अलग काम जो है वो करते रहते हैं, इनकी अलग अलग जीवन है। तो मनीषा रानी भी अपने काम में बिजी है, एल्विश अपने काम में बिजी है, फुकरा इंसान अपने में, आशिका अपने में, पर फिर भी जो है मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये बहुत जल्द टाइम निकाल के एक साथ तो ज़रूर मिलेंगे। और मेरी डिमांड इस फेम से ये है कि भाई आप मिलो और चारों लोग लाइव आओ, अगर हो पाए तो मेरे चैनल पे मेरे साथ आओ। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।